देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पार्किंग प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। दो पार्किंग प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दी है। केदारनाथ मार्ग पर 4.79 करोड़ लागत से पार्किंग बनाई जाएगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। केदारनाथ मार्ग पर 2.29 करोड़ लागत से नई पार्किंग बनेगी, तो सीतापुर में खाली जमीन बनेगी पार्किंग, तो वहीं सोनप्रयाग में भी यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम देहरादून से दे रहे हैं, जहां सोनप्रयाग में भी यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए पार्किंग का मान यहां पर कराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। दो पार्किंग प्रस्तावों को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या जो है वो लोगों के लिए यहाँ पर बनी हुई थी, और ऐसे में पार्किंग की जो सुविधा है वो जो चार धाम यात्रियों को भी मिलती नजर आएगी। और इसी बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंकज पवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, लंबे समय से इसकी कहीं ना कहीं मांग थी, लोगों को भी काफी दिक्कत, लेकिन अब चार धाम यात्रा करने वाले यात्रियों को भी मिलेगी पार्किंग की सुविधा। जब से 2013 की आपदा आई और उसके बाद से वहां पर पार्किंग और ये तमाम जो सुविधाएं हैं वहाँ पर, चाहे आप अपने निजी वाहन से जाते हैं या फिर आप टैक्सी वाहन या फिर किसी बस से भी जाएं, तो लेकिन वहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं हो पाती है। तो ऐसे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो हाई पावर कमेटी है, उन्होंने दो पार्किंग के निर्माण के लिए लगभग 4.79 करोड़ की लागत से उन्होंने मंजूरी दी है, और इसकी लागत से पार्किंग की का निर्माण किया जाएगा, और इससे सुविधा मिलेगी उत्तराखंड से जितने भी या फिर भारत से जो भी श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचेंगे, उनको सोनप्रयाग या फिर जो गुप्त काशी और जितने भी इलाके हैं वहाँ पे उनको सुविधा मिलेगी। और इससे कहीं ना कहीं जो वहाँ पे एकाएक बहुत भीड़ हो जाती है और एकाएक वहाँ पर ऐसा लगता है जाम की स्थिति लगने लगती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। बिल्कुल, अब इस प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन कब तक इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा, किस तरह से शेड्यूल यहाँ पर रहेगा इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए, इसकी कोई जानकारी? देखिए, इसमें दो जगह पर बननी है, एक सीतापुर में UPRNL पार्किंग के समेत जो खाली पड़ी भूमि है वहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ रुपए से वो एक पार्किंग वहाँ बनेगी, और इसी तरीके से सोनप्रयाग में जो वाहनों की पार्किंग की क्षमता है वहाँ पे एक पार्किंग पहले से मौजूद है उसकी क्षमता को और बढ़ाया जाएगा, और उसके नजदीकी एक और भूमि है उसको बनाया जाएगा। तो लगभग इसमें जो केदारनाथ सत्र है या फिर अगर कहा जाए तो उसमें इसको बनाने की कोशिश की जाएगी, अगर अगर इसमें नहीं हो पाया तो फिर आने वाले सत्र के लिए इसको वो किया जाएगा, लेकिन कोशिश सरकार की रहेगी कि इस ही चारधाम सत्र में इसको बना लिया जाए, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।